मेष राशि 2018 के अनुसार यह वर्ष मेष राशि वाले जातकों के लिए, अतः उनका शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम और विवाह, स्वास्थ्य, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस जातक के स्वामी मंगल देव खुद होते हैं, उनके कुंडली के अनुसार बताया गया है, अतः आपका या आपके परिवार की किसी भी सदस्य की राशि मेष है तो आप इसे जरूर जानें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा और करियर, इसके स्वामी मंगल होते हैं। मेष राशि वाले जातक जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगस्त के बाद सफलता मिल सकती है। जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है उन्हें मई के बाद ही सफलता मिलने लगेगा। प्राइवेट नौकरी वाले को पद में उन्नति होगी और आपकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन यह काम मई के बाद ही होगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए थोड़ी सी नौकरी में स्ट्रगल करना पड़ेगा और नौकरी की तलाश के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सीनियर का सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं उनको वर्ष के लास्ट में जाकर थोड़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन पूरे साल इस साल की भांति अच्छी सफलता और अच्छा इनकम मिल सकता है। जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सफलता में कठिनाई आ सकती है शुरू में, लेकिन अगस्त के बाद उन्हें सफलता मिल सकता है। अतः ऐसे आदमी को काम में आलस या पढ़ाई में आलस नहीं करें, क्योंकि इन्हें इनका सामना करना पड़ेगा क्योंकि इनके मालिक मंगल हैं। आर्थिक स्थिति, इस वर्ष आपको कुछ हद तक पैसे की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग साल के शुरू में ही करना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपको कुछ शानदार फायदे भी होंगे। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं अतः आप इस साल जो व्यक्ति नया घर खरीदना चाहते हैं उनका संभव हो सकता है। कारोबार में जीवन साथी और बच्चों की सहायता मिल सकता है, अतः अगर आप किसी व्यक्ति का पैसा दिए हैं तो वह आने की संभावना इस साल है और वह आ जाएगा। प्रेम और विवाह, मेष राशि वाले जातक के स्वामी मंगल होने के कारण जिन व्यक्तियों का सूर्य कमजोर होगा उन्हें अपने वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ थोड़ा कहा सुनी हो सकता है, अतः आप अपने गुस्से पर काबू रखें, बिना सोच समझ के बात नहीं करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जाएगा। पेट आंख संबंधी समस्या इस साल आ सकती है, अतः आप अपने पार्टनर का ख्याल रखें। ऐसे जातक को साल के शुरू में ही शादी का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप शादी अगस्त तक नहीं कर पाते हैं तो इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल ही होगा। प्रेम विवाह करने वालों के लिए यह साल उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। स्वास्थ्य, वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातक के शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन चोट लगने की आशंका है और वह भी घुटनों के नीचे। डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारी हो सकता है, अतः ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी को छोड़कर कई बड़ी बीमारी का सामना इस साल नहीं हो सकता है। और एक खुशी की बात यह है कि 2017 में जो बीमारी उन्हें सता रही है 2018 के शुरू में ही उसमें सुधार हो सकता है। अगर उनका जन्म संक्रांति, मकर संक्रांति के दो दिन आगे और दो दिन पीछे हुआ है तो। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को लाइक करना नहीं भूलें।